हेलो एवरीवन, और आज हम लोग कवर करने वाले फ्लेमिंगो के चैप्टर डीप वाटर को। इस चैप्टर के ऑथर का नाम है विलियम डुगलस, क्लास 12th इंग्लिश। जो ये चैप्टर है डीप वाटर, इसमें ऑथर ने अपने बारे में ही डिस्कस किया है। इस चैप्टर में ऑथर बता रहे हैं कि उनके जीवन में, उनके लाइफ में ऐसी क्या घटनाएं हुई, ऐसे कौन से इंसिडेंट हुए जिनके कारण उन्हें पानी से डर लगने लगा, एंड उन्होंने किस प्रकार अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर, करेज एंड हार्ड वर्क से इसे काबू किया। मींस जो ये चैप्टर है डीप वाटर, ये किस थीम पर आधारित है कि डर के आगे जीत है। जो ये ऑथर है विलियम डुगलस, इनको पानी से बहुत डर लगता था, एंड फिर उन्होंने क्या किया, अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर एंड हार्ड वर्क से इसे काबू कर लिया। तो इसी पर पूरा चैप्टर आधारित है। ऑथर बता रहे हैं कि जब वह 10 या 12 साल के थे, तब वह स्विमिंग करने गए। कहाँ स्विमिंग करने गए? बाई MCA पुल पर स्विमिंग करने गए, यंग मैंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, जो याकिमा रिवर के पास है। द याकिमा रिवर वॉज कंसिडर्ड डेंजरस फॉर स्विमिंग, इसलिए ऑथर ने पूल में ही स्विमिंग करना सेफ समझा। पूल की गहराई लगभग 2 से 3 फीट थी। तो जैसा कि हमने पहले बताया कि ऑथर को पानी से बहुत डर लगता था, इसलिए ऑथर ने पहले से ही पेयर ऑफ वाटर विंग्स पहन लिए। जब वह पूल से नीचे जा रहे थे ऑथर, तब उन्हें वो वाले दिन याद आ रहे थे जब वह बहुत छोटे थे, लगभग 2 या 3 साल के थे। तब वह अपने पिताजी के साथ कैलिफोर्निया बीच पर गए नहाने, स्विमिंग करने गए, और तब ऐसा एक मिस एडवेंचर हुआ, एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके कारण उन्हें पानी से डर लगने लगा। क्या हुआ भैया? एक बहुत ताकतवर, एक बोल्ड, क्या कह सकते हैं, स्ट्रॉन्ग वेव आई, एंड उसने क्या किया, ऑथर को नॉकडाउन कर दिया, नीचे गिरा दिया, और तब से ऑथर को पानी से डर लगने लगा, स्विमिंग से डर लगने लगा। एंड इसी डर को हटाने के लिए अब वह ऑथर क्या कर रहे हैं, स्विमिंग को ज्वाइन कर रहे हैं जब वह 10 या 12 साल के हो गए, और जब वह गिर गए थे अपनी छोटी उम्र में, इसीलिए वह जब पुल से नीचे जा रहे हैं अब उनको बहुत डर लग रहा है। और जो ये फोबिया था वाटर का, फिर से उनका जाग उठा, पर उन्होंने अपने कॉन्फिडेंस से इसको मैनेज कर लिया, एंड 2-4 दिन बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस की स्विमिंग की। और एक दिन क्या हुआ, ऑथर अपने टाइम से पहले आ गए, मतलब सभी खिलाड़ियों का समय होता है ना, इस समय हम लोग प्रैक्टिस करने आएंगे, इस समय हमारी क्लास SST क्लास चलेगी, इस समय मैथ की क्लास चलेगी, इसीलिए ऑथर की भी क्लास थी स्विमिंग करने की। मतलब वह एक दिन क्या हुआ, एक जल्दी आ गए, तो क्या वहाँ पर हुआ, एक इंसिडेंट हुआ, अचानक एक हट्टा कट्टा 18 ईयर्स का लड़का आया, एंड ऑथर से बोला चलो भैया लोग स्विमिंग करते हैं, एंड स्विमिंग का आनंद लेते हैं। तो ऑथर फंस गया, हाँ बोले या ना बोले, एंड धीरे धीरे ऑथर के पैर पूरी पूल की तरफ जाने लगे। ऑथर धीरे से नीचे उतरा एंड हाथ पैर चलाने लगा, बट अचानक ऑथर पैनिक्ड एंड फेल्ट सपोकेटेड। वह ऑथर जब पानी के अंदर थोड़े गया तो उसे डर लगने लगा, एंड उसे पानी के अंदर घुटन महसूस होने लगी, बट ऑथर को कॉन्फिडेंस था कि वह बाहर निकल जाएगा एंड बच जाएगा, क्योंकि उसे वह वाली स्ट्रेटजी याद है जो उसे बचाएगी। भैया अब वह स्ट्रेटजी क्या है, उसने सोचा कि क्या करें, जो मेरी बॉडी है अब हम घुटन हो रही है तो क्या करें, धीरे से पानी के नीचे पानी हम डूबेंगे, धीरे से नीचे जाएंगे, जो सरफेस होगी उस पर स्ट्राइक करेंगे एंड एकदम हम ऊपर आ जाएंगे। तो ये उन्होंने स्ट्रेटजीज अपनाई, क्योंकि क्या होता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है एवरी एक्शन इज इक्वल टू अपोजिट रिएक्शन। ऑथर क्या किया, जब नीचे जाएगा पानी में जैसे ही पैर मारेगा तो पैर क्या पानी क्या करेगा, उसको ऊपर की तरफ धकेलेगा और वह ऊपर आ जाएगा, एंड पैडलिंग करके वह एज तक पहुंच जाएगा, किनारे पहुंच जाएगा। तो इसने उसने ऑथर ने यही पूरी स्ट्रेटजी सोची एंड इसको अप्लाई करना शुरू किया। पहली 2 बार उसने इस स्ट्रेटजी को अप्लाई किया, बट उसने फिर उसे महसूस हुआ कि हम जो पैल मार रहे हैं, जब हम अपने फुट मार रहे हैं सरफेस पे, तब हम बहुत धीरे से ऊपर जा रहे हैं। तो इस कारण क्या हुआ, अब वह बहुत ही ज़्यादा सफोकेटेड हो गया, उसको घुटन महसूस होने लगी। और तीसरी बार जब उसने इस स्ट्रेटजी को अपनाने की कोशिश की, तब उसने हार मान ली कि अपना गिवअप कर दिया, ही हैड गिवअप, देयर वॉज नो मोर फियर एंड ही एक्सेप्टेड डेथ। अब उसने क्या किया, डेथ को एक्सेप्ट कर लिया कि अब मैं मरने वाला हूँ, बट ही सर्वाइव्ड, पर वह जिंदा रहा क्योंकि समवन मैनेज टू गेट हिम आउट ऑफ द वाटर, किसी ने उनको बाहर निकाल लिया। नाउ डुगलस हंटिंग फियर ऑफ वाटर बिकम हिज हैंडीकैप। अब इससे क्या हुआ, डुगलस फियर ऑफ वाटर बहुत ज्यादा हद तक इंक्रीज हो गया, एंड अब ये जो फियर ऑफ वाटर था उनकी डेली डे टू डे एक्टिविटीज को भी प्रभाव में डालने लगा। अब जो डुगलस थे, ना तो वह एक्टिविटी
क्या नहीं कर पाते थे, वेडिंग नहीं कर पाते थे, कैनोइंग नहीं कर पाते थे, बोटिंग, स्विमिंग, फिशिंग, ये अब वह नहीं करने जाते। तो इनके जो ये फियर ऑफ वाटर था, इसका बहुत प्रभाव पड़ा उनके जीवन पर। पर भैया डगलस मानने वाले नहीं थे, ऑथर मानने वाले में से नहीं था, उसको हराना था, डर को हराना ही था, मतलब डर के आगे जीत है तो है तो है ही। अब क्या किया ऑथर ने, इसके लिए एक इंस्ट्रक्टर को अपॉइंट कर लिया, स्विमर होता है स्विमिंग करने के लिए इंस्ट्रक्टर को अपॉइंट कर लिया। अब वह इंस्ट्रक्टर सिखाएगा किसको, ऑथर को सिखाएगा कि स्विमिंग किस प्रकार करते हैं। तो ऑथर को डर लगता था, ये बात स्विमर जानता था, इसलिए वह क्या कर देता था, ऑथर के साथ स्विमिंग करता था, ऑथर को रोप, बेल्ट, पुली या ओवरहेड केबल से बांध लेता था, जिससे कि ऑथर को कंफर्टेबल महसूस हो इनसाइड द पूल। तो इंस्ट्रक्टर ने डगलस को धीरे धीरे मास्टर बना दिया स्विमिंग में, एंड उसको बढ़िया तरीके से टेक्निक सिखा दी किसकी, स्विमिंग की, पुटिंग हिज हेड इन द वाटर, हेड को कैसे मतलब रखा जाता है पानी में, एक्सहेलिंग कैसे करते हैं, इनहेलिंग कैसे करते हैं, एंड हाथ का मूवमेंट कैसे करते हैं, बॉडी को मूवमेंट कैसे कराते हैं, लेग्स को मूवमेंट कैसे कराते हैं। एंड लगभग 6 महीनों में उसने, इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, डगलस को एकदम बढ़िया तरीके से स्विमर बना दिया। तो अब क्या करना चाहता था डगलस, अब वह खुद अपने को टेस्ट करना चाहता था, मतलब हम अब टेस्ट लेंगे अपने खुद का, प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कि क्या अब एक एक प्रकार के हम बढ़िया स्विमर हैं या नहीं है। तो इसके लिए डगलस ने क्या किया, ही बेंट टू द लेक, बेंट वर्ड इन द हेम स्पेयर टू डाइव, वह बेंट वर्थ लेक में गया जो न्यू हेमिस्फीयर में है। थोड़ा सा ऑथर को डर लगा, पर ऑथर ने उसे मैनेज कर लिया, एंड एट द लॉन्ग लास्ट ही कंक्यूर्ड हिज फियर इन द डाइविंग एक्सपेडिशन इन द वार्म लेक, और अंत में ऑथर ने इस पर जीत हासिल कर ली। 6 महीने प्रैक्टिस की खूब दमदार, एंड बाद में उसने अकेले जाकर, वार्म लेक है एक लेक का नाम है क्या है, जिसमें उसने प्रैक्टिस किया जो न्यू हेमिस्फीयर में है। अब हम लोग देखने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, बीच टू इंसिडेंट इन डगलस अर्ली लाइफ मेड हिम स्केयर्ड ऑफ वाटर, ऐसे कौन से 2 इंसिडेंट हुए जिसके कारण डगलस को पानी से डर लगने लगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर टर्न डगलस इनटू स्विमर, तो ये आप कर लें। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट एफर्ट्स डिड डगलस मेक टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, मतलब डगलस ने ऐसा क्या किया जिससे उसने अपने डर को कन्वर्ट कर लिया, काबू में कर लिया। तो अब हम लोग करते हैं यहाँ पर अपना वीडियो एंड, एंड अन्य पार्ट में हम लोग करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। धन्यवाद, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।